मवेशियों को मुल्क के लिए खतरा करार नहीं दिया जा सकता। 2013 से पहले मुल्क में गैर जमहूरी तब्दीली नहीं आ सकती। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कौमी असेंबली में खिताब। पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन मंसूर एजाज का माइक मिलन को भेजा गया मेमो मंजरियाम पर आ गया। मुल्क की जमहूरी हुकूमत को फौज से खतरा है, मेमो का मतन। हुसैन हकानी का एक बार फिर अमरीका को मेमो भेजने से इनकार। रहमान मलिक कहते हैं हुसैन हकानी को वजाहत के लिए तलब कर दिया है। सदर और वजीर आजम मौकिफ सुनने के बाद फैसला करेंगे। सिंध असेंबली में सदर जरदारी और अल्ताफ हुसैन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर करारदाद मंजूर। एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने बाहमी मुशावरत से करारदाद से जुल्फिकार मिर्जा का नाम निकलवा दिया। लाहौर की लेबर कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में डीसीओ लाहौर अहद चीमा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पेशावर में मुहर्रम अलहराम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल की पेश नजर जिले हुकूमत का दफा 144 नाफिज करने का फैसला। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा एक रोजा मैच आज दुबई में खेला जाएगा। और हॉलीवुड अदाकारा डेमी मूर ने अपने शौहर एश्टन कुचर से अलहदगी का ऐलान कर दिया।